Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 2B. ये हमारी मैथ की सेकेंड एक्सरसाइज है जिसका हम बी पार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले पार्ट में हमने किया था कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर. इसके बाद आता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ब्लैंक दिए गए हैं और जिनके बीच में जो आपको काउंटिंग दी गई है वो है स्किप काउंटिंग. इट मीन्स कि आपको ये देखकर बताना है कि कितनी कितनी काउंटिंग का गैप है और उसको आपको फिल करना है. जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 220, 222, 224. इट मीन्स कि इन सब के बीच में 2-2 का गैप आ रहा है. यहाँ पे 2 में 2 ऐड किया तो 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6. तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 228. जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 230. यहाँ पे 232 है, 234, 236 एंड लास्ट वन इज 238. यहाँ हमने क्या क्या ऐड किया है, 20 में 2 ऐड किया 22 में 2 ऐड किया 24 में 2 ऐड किया 26, उसके बाद 2 ऐड किया 28, 2 ऐड किया 30 32 34 36 एंड 38. यहाँ पर हमें दे रखा है स्किप काउंटिंग बाय 2. यहाँ पे काउंटिंग कितनी कितनी स्किप की गई है, 2-2 स्किप की गई है. नेक्स्ट आपको यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है 415. यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, यहाँ भी. अब यहाँ देखिए 435 के बाद 440 है. इट मीन्स यहाँ पर कितना ऐड किया गया है, यहाँ पर 5 को ऐड किया गया है. तो इसी तरीके से इसमें से सबसे पहले हम 5 लेस करेंगे क्योंकि हमें इससे पहले लिखना है. तो ये हमारा बनेगा 410. 415 इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 420. इसमें 5 ऐड करेंगे तो 425. इसके बाद इसमें 5 ऐड करेंगे तो 430. यहाँ पे 5 ऐड किया तो 435 आया. फिर 5 ऐड किया तो 440. और फिर हम 5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 445. और लास्ट वन में 5 ऐड करने के बाद 450. तो इट मीन्स यहाँ पर हमें स्किप काउंटिंग कितनी दी गई है, 5. नेक्स्ट आपका आता है 572. फिर ब्लैंक दे रखा है, फिर ब्लैंक 584. अगर 84 और 72 के बीच का गैप देखते हैं तो कितना आता है, वो हमारा आता है 18. और 18 को डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे आता है 4-4 का गैप. तो यहाँ 572 है तो यहाँ 4 ऐड करने से आएगा इसमें 476. फिर हम 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 580, क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड किया है, 4. इस तरीके से हम 4-4 ऐड करते जाएंगे. यहाँ 580 के अंदर 4 ऐड किया तो ये बन गया हमारा 584. फिर ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 588. फिर ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 592. और 4 ऐड करने पे अगर इसमें ऐड करते हैं तो बनेगा 6596. और यहाँ आपका आ गया 600. तो इट मीन्स यहाँ पर कितनी काउंटिंग स्किप की गई है, 4-4 काउंटिंग स्किप की गई है. फिर आता है हमारा 830. यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक और यहाँ पर है आपका ब्लैंक 848. तो इस तरीके से यहाँ पर कितने कितने का गैप आ रहा है आपका, 6-6 का. 830 के अंदर करेंगे तो हम हमारा कितना आएगा, 836. अगर नेक्स्ट करते हैं 6 ऐड करेंगे तो 842. 6 ऐड किया तो हमारा आया 848. फिर हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा बनेगा 854. फिर 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा बनेगा 866. फिर ऐड करने पे बनेगा 866. और फिर नेक्स्ट में
872। तो यहाँ पे स्किप कितना हुआ है, 6 6 स्किप हुआ है। तो इस तरीके से हमारी ये है एक्सरसाइज सेकंड बी, जिसमें हमने सबसे पहले जो स्किप काउंटिंग की है वो 2 की है, नेक्स्ट लाइन में की वो हमारी 5 की है, और थर्ड लाइन में 4 की है, और डी में 6। इस तरीके से जब आप बच्चों को सिखाओगे तो आप इसके अंदर ऐड ऐड करते सिखाते रहना कि अगर हम इसके अंदर 4 ऐड करते हैं तो आगे की हमारी डिजिट बनती चली जाएगी। ये हमारी सेकंड बी एक्सरसाइज है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।